खबरें ऐसी जिनका आपसे हो सीधा सरोकार। नमस्कार, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। वक्त हो चला है सुपर फास्ट खबरों वाले शो यूपी 32 का, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सहित देश की तमाम बड़ी खबरों की। नवजोत सिंह सिद्धू को आज नहीं मिली करतारपुर साहिब जाने की इजाजत, अब 20 को जाएंगे नवजोत। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन, टिकरी बॉर्डर समेत कई जगह पुलिस कर रही है चेकिंग। असम में सामने आए 250 नए कोरोना के केस, 5 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में कोरोना के देश में 11,919 नए मामले, वहीं 470 मरीजों की मौत। 19 नवंबर को लखनऊ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना यौन उत्पीड़न नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस विवादित आदेश को किया खारिज। कहा पॉक्सो एक्ट में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं। कल बुलंदशहर के महोबा जिले से यूपी चुनाव का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर के पद का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणदीप सुरजेवाला। कोविड पीड़ितों को मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सीएस और स्वास्थ्य सचिव को किया तलब। नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े के पिता के मानहानि के केस पर 22 नवंबर को फैसला देगी बॉम्बे हाईकोर्ट। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में 3 पायलट और 3 क्रू मेंबर थे। वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस उड़ान पर था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में की मुलाकात, मां के निधन पर जताया दुख। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड, IFFI में होंगे सम्मानित। यमुना के प्रदूषण पर केजरीवाल की सफाई, 70 साल की गंदगी 2 दिन में साफ नहीं की जा सकती। मुस्लिम बहुल इलाकों में कोरोना टीके को लेकर हिचक, सलमान खान की मदद लेगी महाराष्ट्र सरकार। यूपी में वोटरों से सीधे संपर्क के लिए बीजेपी निकालेगी रथ यात्राएं, दिल्ली की आज की बैठक में तय होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बतौर लेखिका लिखी पहली किताब, लाल सलाम दिया नाम। देव दीपावली पर वाराणसी पहुंचे लाखों सैलानी। बरेली में लोहिया वाहिनी ने किया अभिनेत्री कंगना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भाजपा ने जनता से मांगे घोषणा पत्र के लिए सुझाव, जारी किया ईमेल और व्हाट्सएप नंबर। 22 और 23 नवंबर को यूपी दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लखनऊ में हनुमान सेतु के पास खाली कराई गई जमीन पर बनेगा प्रधानमंत्री आवास। लखनऊ में जीका वायरस के मिले 2 और नए मरीज, घर पर किया गया उन्हें आइसोलेट। KGMU में बदमाशों ने की युवक पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में 2 से 3 दिन में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते कई स्कूलों में कल की छुट्टी घोषित। CBSE, CISE टर्म 1 बोर्ड एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिका, अब ऑनलाइन ही होंगे बोर्ड एग्जाम। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की हवा जहरीली, लगातार 5वें दिन AQI बहुत ही खराब। कल लगेगा इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। क्रिप्टो करेंसी पर पहली बार बोले मोदी, सिडनी डायलॉग में दी चेतावनी कि क्रिप्टो गलत हाथों में ना पड़े वरना युवाओं को कर देगी तबाह। तालिबान ने की अमेरिका से गुहार, कहा अमेरिकी सांसद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा पैसा दिलाए, अब अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। Under-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पहला मैच साउथ अफ्रीका से, 14 जनवरी से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट। सामाजिक ताने बाने से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तक हर एक हिस्से की बड़ी खबर सबसे पहले हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डेली इनसाइडर।